आपको मौका मिले मिलेंगे जाके आप? देखिए डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में मुझे बुलाते हैं, ठीक है। अगर वो मुझे बुलाएंगे नहीं, आप खुद भी जा सकते हैं ना। कुमार साहब मैं कैदी है ना, जो मैं अभी देख रहा हूँ विजुअल्स और बाहर आके जो बातें सुन रहा हूँ वो तो मुझे उसी तरफ ले जा रही है। लीडर अभी मानते हैं वैसे बानी पीटीआई को आप? देखिए गुमन साहब, अगर मैं ये कहूंगा तो ये बड़ी नमक हरामी होगी। मैंने कुछ कहना जो सबक उन्होंने मुझे सिखाया था मुझे याद है, वो भूल गए। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी उनकी उन्होंने मुझे सिखाया नहीं और वो मेरे लीडर नहीं थे या वो मेरे, ये तो बड़ी नाइंसाफी और खुद भूल गए बात है, वो खुद भूल गए सबक। जी जय साहब, फैसल वाडा साहब, आपका और मेरा और बाकी पाकिस्तानियों का पहला काम जो है ना इस वक्त नंबर एक, ये जो दानली दानली के नारे लग रहे हैं और हर पार्टी लगाना शुरू हो गई है, इसको एड्रेस करें और लोगों की जहां जहां दादरसी हो सकती है वो करें। इस तरह ये मामला जो है ना ये लावा पकता रहेगा और फट पड़ेगा। नंबर दो, फैसल वाडा, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप पाकिस्तान के अवाम और फौज को एक बेस पर बिठाएं। पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी ऑफ पाकिस्तान लाजम मलजूम है, यूनाइटेड फ्रंट बनना चाहिए। जो जो भी गलतियां कोताहियां कमियां दोनों तरफ से हुई हैं उस पर मट्टी डाली जाए, और इफ यू डू नॉट डू दिस तो वी विल एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नेवर फॉरगिव फैसल वाडा, कि उसका हाथ पड़ता था, उसकी बात सुनी जाती थी और उन्होंने असल काम करने की बजाय और फराइज में ज्यादा आप दिलचस्पी ली। चलिए तैयार हो जी। देखिये चॉइस साहब और गुमन साहब, देखिए मेरा तो अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये कि ये है जी आजकल के बड़े मशहूर पकौड़ों का पैकेट, इसको आप फॉर्म 45 का नाम भी दे सकते हैं, इसमें पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं। सिस्टम 45 कह रहे हैं, चले सिस्टम, या आप इस पे पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं और मैंने कल देखा कि फ्रेंच फ्राइज और केचप के साथ भी खा सकते हैं और समोसा चटनी भी खा सकते हैं और छल्ली भी खा सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो ये तो आपका है फॉर्म 45, ठीक है जी। क्योंकि जो मैं जीता हूं मेरे पास भी है, ये हारे हैं इनके पास भी है, जो रनर्स अप में उनके पास भी है, जो इलेक्शन लड़ने आने वाला था वो भी अब मैंने देखा 45। हर एक नतीजे मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम ये कि फॉर्म 45 वो 47 हो या वो एफिडेविट हो जो एक इंजीनियर्ड आर्किटेक्ट ने अदलिया के निजाम में बैठ के बनाया, यहां से आप इस चीज को लेके चलें पाकिस्तान की सिम ठीक करने चाहे। उसमें एक सवाल कैसे लिखे हुए, हम सियासत करने जा रहे हैं, एमएनए का टिकट है हमारे पास, ग्रैंड फादर्स नेम, मेरे दादा का नाम लिख दो, कहा इधर हो, एक महीने बाद तुमने बेहेव नहीं कहा, दादा का थोड़ी कहा था, नाना का नाम था, अच्छा जी अगली बार नाना का नाम लिखा, नाना का नाम लिखा है, ग्रैंड फादर दोनों का लिख दिया, कहा हमने उस दादा की बात की। ठीक है, ये फनी क्वेश्चन, ये आपकी बच्चे कितने, आपकी शादियां कितनी है, आपने गुनाह कितने किए, हम आखिरत में बैठे हुए अल्लामिया के पास है नाउजुबिल्ला, ये ऊपर वाले की शान है। ठीक है, सादिक अमीन तो हमारे आखिरी नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उसके अलावा तो इंसानों में कोई सादिक अमीन हो नहीं सकता। सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देने वालों से भी तो पूछे, आप सादिक अमीन हैं, आपके ऊपर जो इल्जाम आते हैं आपसे रिजाइन करके बाहर घर चले जाते हैं, आपका एहतसाब कब होगा, अकाउंटेबिलिटी कब होगी, ये सवालों को एड्रेस करने की जरूरत है। देखो मैं हम इलेक्शन रिग्ड हो गए, ये जीत गया वो जीत गया, मुझे जेल डाल दी, मैं भाग गया, मैंने आग लगा दी, मुझे फांसी हो गई, मुझे कोड़े पड़ गए, लेट्स गेट आउट ऑफ इट नाउ। अब आप ये कहेंगे जी पहले तो आप शुरुआत करें, जो मैंने आपको दास्तान सुनाई है भुट्टो साहब से लेकर, जरदारी साहब से लेकर, इमरान खान की हुकूमत से लेकर, नवाज शरीफ से लेकर, उसकी बीवी को तदफीन पे ना आने देने का जो गुनाह इस कानून के अंदर हुआ है, फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल इजाद कर ली गई, फिर संडे के दिन ऑफिस खुल गए, फिर प्रिजन वैन आ गई, फिर पाबंद किया गया अगर 12 बजे तक नो वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस करो निकलो बाहर, ठीक है, उसके बाद आप पॉपुलरिटी वेव को चीजें चेंज कर दें। मेरे पास सारे वो फैसले अदालती, एक अदालत ने फैसला किया है इनके लिए, थोड़ी देर का मुझ पर उन्होंने फैसला कुछ और लागू कर दिया, उन्हीं ने फिर उन्होंने तीसरा कर दिया, हसबे हाल हसबे जरूरत एज पर विशेष तो नहीं काम हो सकता। ठीक है, अब आप कहते हैं जी बहुत आसान है, स्टैब्लिशमेंट ताकतवर, इन्होंने भाई आप बेल ना दें, आप जेल दें और वो जीप पे आगे बिठा के ले जाएं आपको मीनारे पाकिस्तान में, हम उस जीप के आगे आगे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं खड़े होंगे आप किसी को मेरे इल्जाम किस तरह ठहरा सकते। ठीक है, मेरी गलती है, मैं गुमन साहब, देखो गुमन साहब प्लस ये कि हमें ये बहुत चीजें देखने की जरूरत है कि जहां आप पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम सब के जी 9 मई का वाका क्या कन्फ्रंटेशन है, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई तोड़ जोड़ की बात हो रही है, खुदा ना खुदा मुल्क किसी ऐसी जगह पे ना चला जाए, वहां आप ये भी तो देखें कि आप मेरी चार दीवारी में आके फैसले कर रहे हैं, मेरी गैरत और इज्जत के ऊपर फैसले कर रहे हैं। मैं आपके पास गुमन साहब आज फिर कह रहा हूं, मैं आपके शो पे अपना निकाह नामा रखता हूं, करे मेरे निकाह के ऊपर कोई बात, ठीक है, मेरी अगर चार दीवारी के अंदर आप आएंगे तो मैं भी तार तार कर दूंगा।
ठीक है, चले आप जब ऐसे फैसले कर देंगे ठीक है तो रिजेंटमेंट भी हो बिल्कुल आएगी नाजी।